इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह कड़े पिंड तो तुम सौदा सिंह तो अब थोड़े पिंड झगड़ा होया की कारण से सारा यह कारण कमेटी का रोला की रोला की सी कमेटी का कोर्ट का रोला कमेटी बांध का रोला की उत्थे होया की है बस उत्थे लड़ाई हुई किवें लड़ाई क्यों हो गल पे सी विरोधी वाल कौन गल पे हाँ जी कौन गल पे कड़िया पार्टियां से उत्थे पार्टियां दोनों सी साडे पिंड दीआं पार्टियां लड़ाई का कारण मैं जरा गुरुद्वारे की कमेटी की नाम जी बाजी थोड़ा सुखजिंदर सिंह सुखजिंदर सिंह जी अब जरा सद्दा सिंह वाले गुरुद्वारा साहब के झगड़ा होया की मामला सी सारा है। हाँ जी गुरद्वारा साहब की कमेटी 3 महीने तो चल रही है कमेटी की चोन बारे जी धारा गुरभेज NRI है ये नाल जी सारी टीम सारी अग गुरभेज की पाई है ये नाल जसवीर सिंह डेयरी वाला रणजोत सिंह धालीवाल राजिंदर सिंह सानप गुरनेक सिंह की मामला की सी क्यों होया झगड़ा ये कमेटी की चोन है जी इन्होंने किसी गल से नहीं मतलब सानू बिल्कुल मैंबर भी नहीं बन देना क्यों साडा धक्का ही करी आउंदे अज MLA साहब सद्दे सीगे उन्होंने सानू मंगलवार का टाइम दिता जी दोवें रंग दरबार चो बाहर निकलना इन्होंने ललकरा मार के साडे गल पै के ललकरा मारे गुरभेज सिंह ने मारा जी ते तुसी कहड़े ग्रुप दे हो असी गुरप्रीत सिंह प्रधान हाँ साडा जी हुण की मांग करदे हो हुण मांग इन्हां ते कारवाई होनी चाहिए इन्होंने साडे लड़ाई दा कारण की है प्रधानगी नूं लैके हाँ जी हाँ जी गुरद्वारा साहब की कमेटी की हथियार से इन्हां कोल गुरद्वारा साहब की कमेटी की चोन लिखो जी समूह कमेटी की चोन अज हरजोत जी आए थे उन्होंने की कहा था हाँ जी हाँ जी उन्होंने मंगलवार का टाइम दिता दोवें धिरों नूं 7-7 बंदे साडे कोल आए ये लड़ाई उन्होंने एमरजेंसी के ना सद्दा सिंह वाला पिंड के कितने कोई लड़ाई हुई है 8-10 मरीज आए दो धिर आपस के कोई लड़ाई हुई साढ़े कोल दाखल है आप उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी सट्टा लगिया हुई सट्टा काफ़ी है फिलहाल उनकी कंडीशन तो अंडर स्टेबल ही है बाकी फर्दर टाइम देखो अंडर ऑब्जरवेशन है कि बनता है 8 पेशेंट आए हैं साढ़े को बड़े अफसोस नाल गल कहनी पैंदी है भी सद्दा सिंह वाला बड़ा इतिहासक नगर है उत्थे काफ़ी दिनों तो चल रही सी गल गुरद्वारा साहब से संबंधित बल्कि जदों पहला अकाली दल भाजपा की सरकार सी उदों बिल्कुल इहो खिचोतान बिल्कुल नहीं सी पर हुण जदों दी कांग्रेस की सरकार आई है उस वेले तो लैके कांग्रेसी लीडरां दे विच जां इत्थों दे वर्करां दे विच उहनां दे विच सी भी हर पद्धर ते जिहड़ा अकाली दल नूं बिल्कुल दूर कीता जावे और समाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर भी इन्नी दखलदाजी वधा दी भी वेखो हद बन्ने टप गई गल भी मौजूदा कांग्रेस का MLA डॉक्टर हरजोत कमल जो मोगे तो विधायक है वह खुद गुरद्वारा साहब बैठा जाके अज और उत्थे जाके उन्हें आपदे जिहड़ा ग्रुप है उन्होंने पूरा उत्साहित किया भी थोनू मैं कमेटी नवी बना के दिना तुसी गुरद्वारा साहब का प्रबंध चलाना है उत्थे गोल्फ भी तोड़ी गई उत्थे सट्टा भी बजियां साढ़े बंद सट्टा बजियां और अज जदों हस्पताल के असी इतने दाखिल कराए उन्हों का असं सारे अच्छे पता लेना है साढ़े मोगे के काउंसलर साहबान सद्दा सिंह वाले पिंड तो साडे नौजवान भरा सारे ही नाल खड़े है बड़े अफसोस नाल ये गल कहना पैंदा कि सरकार धार्मिक तौर पर यह जो दखलदाजियां नहीं करनिया चाहिए यह पिंड पत्थर जिहड़ियां कारवाइयां होंदियां कि कमेटी किनू बनाउणी है किने गुरद्वारा साहब का प्रबंध चलाना बल्कि इतिहासक गुरद्वारा होने करके जिथे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की भी मैं समझदा दखलदाजी बनती है पर फिर भी श्रोमणी कमेटी ने कोई बेलोड़ी दखलदाजी उत्थे नहीं की ते ना ही श्रोमणी अकाली दल के किसी व्यक्ति ने की है और यह भी गल की गई MLA साहब ने गल कही गई कि नहीं पर्चिया पा लो बहुत ही गल है पिंड भी जेड़े तुम कहें भी आ नुमाइंदे होने चाहिए असं सारे सहमत हाँ तो देखो मतलब एमीकेबली जड़िया गल् निबड़ सकदियाँ पहली गल तो जे MLA पद्धर के लोग गुरुद्वारा दमेटियां दखल देंगे तो मैं समझा एक पास तो रौला पाते धर्म के राजनीति कट्ठे की होर गल करते पर एक पास आप ही जाके गोलकों तड़ाते कमेटियां बनाते और इन्होंने चाहिए डिवेलपमेंट करा हस्पताल बना सड़क बना बड़े होर काम करने वाले होंगे MLA के लीडर के पर जे गुरद्वारे दमेटियां बना ढाने से लग गई तो मैं समझा साडा समाज किधर न जाऊगा जी आप बलीवाद अंदाजा ला सकते बराड़ साहब किन्ने को बंद जख्मी हुए तो किस तरह की उन्होंने हालत है देखा तकरीबन जी साढ़े बड़ी शार्प सट्टा लगियां 3-4 व्यक्तियों के उत्थे कृपाना चलिया आ मूवियां भी आ जाएगा तुम सारे ने देख लेनिया पर अफसोस इस गल का बी जड़े उत्थे फोर्सेस नाल गई जिन्ह ने समाज में समझा
जिन्होंने हटाना है गलों तो वो आप ही दशाह करी जाते हैं तो बड़ी हैरानी की गल सट्टों तो लगन गए देखो किन्ने भरावान किन्ने भरावान सट्टा लगियां लेडीज़ के कपड़े पाड़े गए लेडीज़ के सट्टा लगियां वो भी अपना हस्पताल ड्रोली पाई एडमिट और मैं समझा कि सरकार जे कोई माड़ी मोटी ईमानदारी जो सरकार दिखानी चाहती है तो घट्टो घट जी अज मैडिकल रिपोर्ट बनूगी वो मुताबिक कार्रवाई की जाए और जोड़े उत्थे लीडर बैठे से या उत्साह करते और उन्होंने 120 भी जी ला के सू पूरा गुरप्रीत सिंह अब जी सरदार सिंह को झगड़ा होया कि सारा मामला जी ये सारा जी कमेटी का गुरद्वारा गुरद्वारा मंजी साहब पातशाह छेवीं कमेटी का जी झगड़ा जी ये झगड़े चलते हूँ तकरीबन चार पाँच महीने हो गए जी जी पुरानी कमेटी से उन्होंने गुरद्वारा साहब के पिंड की सारे पिंड नगर के आवाज दे के चापना रख सकते भी सेवा छी आ भी कोई भी पिंड सेवादार आ जाए भी सेवा कर सकता चापना चल सकता जदों सारे बंद चापना चुकने की कोशिश की तो उन्होंने गल झगड़े से लिया भी थोड़िया के हिसाब न बंदे लैने जी पहल करते थोड़िया के हिसाब न जो थोड़िया के हिसाब न बंदे चुने साढ़े को जी 14 टुले है 14 हरेक मुसलमान कास्ट का जिमीदार जी रामगढ़िए अपने परजा वर्ग जी पंडित जी तो उपल परिवार जानी 14 के 14 साढ़े को 7-8 कास्टा जी रजिस्टर कराई है जी उन्होंने कराई है 3 टुलिया की जी 3 टुलिया के 7 मैंबर लाए उन्होंने जी संधु परिवार के एक धारी वाले 2 ही टुले जी उन्होंने साढ़े को हरेक हरेक कास्ट का टुला जी तो पुरानी कमेटी जी आप चेहरे जोड़े पुराने जी वो आप पासे हो गए आ दूजे चेहरे मूहे करते उन्होंने जी अज फिर किस गल अज हुई जी डॉक्टर हजूर कौल मोगा नगला MLA साहब मोगा हलका ने पहुंचे थे उत्थे राजीनामे में राजीनामा करवाने उत्थे उन्होंने आपका सुझाव रखा तो सुझाव के बावजूद उन्होंने सत्त मैंबर उन्होंने लेने सत्त साढ़े जड़े सत्त मैंबर उन्होंने साढ़े सत्त लगे उन्होंने मंगलवार थोड़ा फैसला होगा जी मंगलवार उन्होंने फैसला होगा जी जब अभी बाहर आए सानू जोड़ा सरपंच आई वो चाची सरपंच आई सुरजीत कौर जी तो और भतीजे ने उन्हें सबू मुझे हाथ मारे उन्होंने सामने बाहर आके देख लो उठो साड़ी फैबड़बाजी होगी उन्होंने साढ़े बंद ने सट्टा सुट्टा काफ़ी मार किन्ने बंद हाँ जी किन्ने बंद जख्मी हुए साढ़े 6-5 बंदे आई कोई बिच औरत भी है एक औरत आई कौन सी हमला करने वाले बंदे का की नाम सीगा एक पहल के आधार से गुरभेज सिंह जी उपल तो अपना जगसीर सिंह जी मोड़ी जी कहते जी चंद सिंह जी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕਪਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ SHO ਸਾਹਿਬ DSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਰਜੋਤ ਕੌਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਟੱਕੂਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਡਾਂਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਪੱਤੀ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੀ ਸੁਆਦ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸੰਧੂ ਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਛ ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੀ ਕਾਰਨ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਰਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਅੱਜ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ
इस गल की भी रश बड़ा ज़्यादा सी। कोई पुलिस का उत्थे प्रबंध नहीं सीगा जी? पुलिस भी सी जी, पुलिस के होने के बावजूद भी लड़ाई हो गई। मैं कदे ये नहीं सोचा कि केड़ा केड़ी पार्टी सी, केड़ा केड़ी पार्टी सी। मेरे वास्ते तुसी सारे रब का रूप हो। मैं अज गुरु घर की गोलक गुरु घर की सेवा कर सकता, मैं फैसला कर सकता। सो मैं अंत दे विच तुहाडा सारिआं दा जिथे शुकराना करदा, उत्थे मैं एक गल मत्थे लगे, एक गल ऐ सोच के देखो कि आपां जिस गल दे मगर पए फिरदे हाँ वो गल सही है कि गलत है। 25 साल उन्होंने सेवा की थी, हूँ अभी कर रही हैं। मैं क्या हरिमंदर साहब जाइना जिसे उन्होंने मैं कमेटी च लै लिया, कोई बीबी मोर्चे लाई जाती है, कोई बंदा झाड़ू लाई, तो फिर सेवा को तो कोई भी नहीं रोकता। ना मेरिया मावं भैन रोक दिया, ना बंदे रोकते। आ जाओ सेवा करी चलो। चाचा इन्ने कि शब्दों के नाल धन्यवाद करके तो माफी मंग लेनी है कि जी लैंड खिंच के बैठे हैं तुम कितने सच्चे पातशाह कितने कृपा कर सारा ही सिख जागत ही कट्ठा हो जाए। वह जे हो जाइए एक दूजे दिन पैर च पैर रख के करिए। तो मैं धन्यवाद करता।